खिलखिलाने मुखड़े आँखों मारिट दी बदली का बीच जल जून हंस दी या जिंदगी मैन तेरा नो कयाली तुते देखी मेरी जिकुड़ी बोले गया। हाँ 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 क्या बात है। आज के डेट में कुछ ही लोग हैं जो ऐसे गाने बना रहे हैं जिनको वो फील वो ऑरा क्रिएट करे कि आप कहीं भी बैठे हो पर आपको लगे कि वो पहाड़ों में हो। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। इस गीत को सुरेश बाड़ेकर जी गाएंगे ऐसा मेरे को बोला गया, ऐसे कंपोजर बनाओ, उनके लिए बनाई थी। फिर आओ उस समय नए बना कुछ प्रोग्राम तो उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि तब फिर उन्होंने कहा किसी, मैंने कहा जी फिर मैं ही गाऊँगा इसको। दतुड़ियों माँ हिमालय सजायों चा तेरू बकी बात रूप कमायों चा ओ तेरू बकी बात रूप कमायों चा। नमस्कार, मैं हूँ संकल्प खेतवाल और आप लोग देख रहे हैं उत्तर का पुत्र। आज हम लोग काबे भाई के साथ हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आएगा इनसे बात करने में। नमस्कार, मैं संतोष खेतवाल, आप देख रहे हैं उत्तर का पुत्र। तेरी दतड़ियों की छपाक तेरी झवरी बाजी चम चमा चम राजमती घसेरी तेरी झवरी बाजी चम चमा चम। बात है हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम काव्य, ये है उत्तर का पुत्र शो। और साउंड चेक में आज दो ज़बरदस्त आर्टिस्टों को आपके लिए लेके आया हूँ और कमाल की बात ये है कि एक ही परिवार से हैं और यू नो आपने इतना पसंद किया है उनको पास्ट में, उसके बारे में बात करेंगे, आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेके बात करेंगे एंड पहाड़ी म्यूज़िक का डबल डोज मिलने वाला है आज आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संकल्प बहुत बहुत स्वागत आपका शो पर और संतोष जी आपका तो विशेष धन्यवाद क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वहाँ भी इतने उससे रहते हैं कि मतलब संकल्प के शो तक नहीं जा पाए आप। आपने कहा भैया नौकरी करेंगे पहले, हैं लड़के को आशीर्वाद दूर से, तो आप स्पेशली इस शो के लिए देहरादून आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो पीछे की बहुत बातें हैं इतने सालों की, वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले संकल्प का एक ब्रांड न्यू सॉन्ग आया है कसम, जिसका नाम है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। ओके, तो कसम जो गाना है वो पापा ने ही लिखा है, उन्हीं कॉम्पोजिशन है। तो एक बार ऐसे ही जब मैं बॉम्बे में था, अभी तो काफ़ी टाइम से देहरादून में हूँ, तो मैं वहीं पर था, पापा ने मुझे एक दिन ऐसी गाना व्हाट्सएप में गा के भेजा हारमोनियम में कि ये एक ऐसा गाना है, इसको गाना है, मतलब तूने गाना है और करना है, इसको देख कैसे हो सकता है। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, ऐसे म्यूज़िक बनाने लगा थोड़ा। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, क्योंकि एकदम से नया जब गाना आता है तो समझ में नहीं आता कि सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ अब क्रिएट करना है, कॉम्पोजिशन है, पापा ने अपने स्केल में गा के भेजी है, मुझे अपने स्केल में डिज़ाइन करना है, अपने हिसाब से उसे मॉड्यूल करना है। तो ये जो कॉम्पोजिशन जब मैंने रिकॉर्ड करी पहली बार, तो जितनी बार भी मैं गा रहा था कोई अलग सा ही था, समथिंग डिफरेंट, क्योंकि ऐसी कॉम्पोजिशंस होती नहीं है। बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है पापा ने लिखा अभी, और जिस तरीके से वो एक्चुअली थोड़ा टेढ़ा कॉम्पोजिशन, मतलब वो ऐसा है कि उसे गाने के लिए सीखना जरूरी है, आपको आना चाहिए। अगर आप गाना सीखा हुआ नहीं है, आप गाते नहीं है, या तो प्रैक्टिस में नहीं है, तो नहीं गा पाओगे। ऐसा कॉम्पोजिशन है, उसमें कुछ ऐसे इस तरीके से वो गाया गया। तो मुझे बहुत मजा आया वो गाना बना के, और अभी तो रिलीज हो गया है, लोग भी बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। राइट, तो थोड़ा सा सुनते हैं आपकी जबानी और फिर लिखावट और बनावट पे बात करेंगे, है ना। गिटार जी। अभी मैं थोड़ा लो स्केल में ही ऐसे बिल्कुल सुना के आपको सुनाऊंगा, अंतरे से सुनाता हूँ। खिल खिलांदी मुखड़ी आँखों मारिट दी बदली का बीच जन जून हंस दी या जिंदगी मैं तेरा नो कयाली तुते देखी मेरी जिगड़ी बोल गई हर कसम खांदो तेरी तू क्या जादू काली देखी मेरी
हाँ, क्या कमाल। तो अब आपके पास आते हैं संतोष जी, इतना कमाल का गाना, तो कहाँ, देहरादून में थे उस वक्त या पौड़ी की पहाड़ियों में बैठे थे जब आपने ये कंपोज करा? अच्छा, पौड़ी में ही थे तो लिखा, तो क्या ख्याल आया जब पहली दफे इस तरह का कुछ? ये ऐसा एक मन में आया कि एक बहुत हमारे पहाड़ में किसी भी अच्छे काम के लिए कसम खा देते हैं, कि मैं कसम खाती हूँ, कसम खाता हूँ। ऐसे ही हमने कहा इस पे, एक हमारे यहाँ वैसे सौंप बोलते हैं इसको, कसम माने सौंप भी होता है पहाड़ में। तो ऐसे ही आया कि इस सब्जेक्ट पे एक गाना होना चाहिए, तो लिखा था मैंने, फिर अपने लिखा था पहले, कंपोज भी अपने लिए किया था, अपने हिसाब से किया था। फिर मेरे को लगा कि ये क्योंकि युवा वर्ग का इसमें थीम है और मैं थोड़ा सा गाऊंगा, तो मैंने कहा लोग इतने अच्छा पसंद नहीं करेंगे जितना अच्छा ये संकल्प की आवाज़ में पसंद करेंगे। फिर मैंने, मुझे बम्बई में था उस समय, मैंने कहा बेटा घर गाना लिखा हुआ, फिर मैंने हारमोनियम में गा के भेजा, तो इन्होंने सुना, फिर पसंद आया, तो फिर पूरे इन्होंने ही म्यूजिक व्यूजिक अपना बना के और इसको गाया, तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, रिलीज़ कर दिया। अगर आप गाते तो कैसे गाते? मेरे को पूरा याद नहीं, बस फिर भी गाता हूँ, कसम खा दू तेरे तिन क्या जादू काई, तुए ते देखी मेरी जी कुड़ी बोले गाई, कसम खा दू तेरी तिन क्या जादू काई, तुए ते देखी मेरी जी कुड़ी बोले गाई, खिल खिला दी मुखड़े आँखों मारी टनी, बदली का बीच जन जून हंस दी, या जिंदगी मैन तेरा नो कयाली, तो ते देखी मेरी जी कुड़ी बोले गया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। हम से और जितने लोग देख रहे हैं वो समझ पाएंगे, जो हमारे उत्तराखंड का वैसे में असल फोक था वो नाचने वाला कम और झूमने वाला ज़्यादा होता है, जिसमें हल्का हल्का सा है ना, यानी उसी उसमें ये है। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि वो मतलब 10 में से 9 गाने डीजे मिक्स के चक्कर में सुबह से नाचो हो जा रहा है बिल्कुल। हाँ, तो वैसी चीज़। हाँ, उसी चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप अगर अब यूट्यूब खोलें जी, या ऐसे आप कभी कहीं बैठे हो, कहीं बाहर हो, क्योंकि मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो आप कहीं होते हो, कहीं पर फोक और जगह के फोक मैं सुनता हूँ, तो मुझे मिल जाते हैं कि आप बैठ के वो जगह का वाइब ले सकते हैं। आपने, आप समझ लो, आप हिमाचल के गाने सुनो, तो हिमाचल में ऐसे सूदिंग गाने बनते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो ऐसे गाने बनाते हैं, लव गाने, बहुत से सारे गाने, तो गाने बनाते हैं, आप सुनते हो, बोलते हो यार कि वो फील आता है हिमाचल वाला। पर अपने उत्तराखंड में बहुत ऐसे कम गाने बनाए जा रहे हैं आज की डेट में, कुछ ही लोग हैं जो ऐसे गाने बना रहे हैं जिनको वो फील, वो ऑरा क्रिएट करे कि आप कहीं भी बैठे हो पर आपको लगे कि वो पहाड़ों में हो। तो उसी चीज़ में काम कर रहा हूँ अभी, वैसे टाइप के गाने की कुछ, लाइक आप मतलब नाचना ये सब अपनी जगह अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट एक वाइब होती है, एक फील होती है, जगह का ऑरा होता है, वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। राइट, वो उसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ, वो आने वाली कॉम्पोजिशन भी कोई ऐसी रहेंगी जो बैठ के तसल्ली से सुन सके, कहीं पर पहाड़ों वाली वाइब ले सके। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह की जो खुशबू है उसको दूसरों तक पहुंचाना। जब हम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल इन सभी जगह का म्यूज़िक सुनते हैं तो वहाँ की कहीं महक आती है, अपने वाले में थोड़ा सा क्या हो गया वो समझ नहीं आता, जैसे कि महाराष्ट्र में वो ढोल बजता है जैसे अभी है, जबकि हमारे तो हुड़के हुड़के थे, हल्का सॉफ्ट, पारंपरिक वाद्य कहाँ बज रहे हैं। तो अगर आगे बात करें संतोष जी, संकल्प से जब भी बात होती है वो आपको लेके बहुत क्रेडिट देता है कि यहाँ से ही यहाँ म्यूजिक आया, आप में कहाँ से आया? मेरे को अपने पिताजी से आया। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे हारमोनियम प्लेयर थे, बहुत सुंदर, और जब मैं 9-10 साल का था, मेरे पिताजी फौज में थे, CRPF में, तो वो फौज का आदमी साल भर में 2 महीने की छुट्टी आते हैं, तो वो घर आते थे, तो ऐसी ही मैं उस समय मेरे ख्याल से 2-3 पढ़ता हूँगा, 9-10 साल का था समझ लो आप, तो पापा हारमोनियम में रियाज कर रहे थे अपना, ऐसे ही जब बैठे थे बजाते थे, हारमोनियम गांव में होता था, तो जब बजा रहे थे तो मैं आके बैठता था वहाँ। अच्छा। हाँ, जैसे हारमोनियम शुरू हुआ तो मैं आके बैठ गया, तो पिताजी उंगली देखता था कैसे बज रही, तो ऐसे ही फिर जैसे गाँव के, अब फौज का आदमी छुट्टियाँ रखे हैं तो गाँव के लोग मिलने आ गए, तो मिलने के पापा उनको तो तब बाहर मिलने गए, तो मैंने हारमोनियम वहाँ पढ़ा हुआ। अच्छा। तो मैंने उसमें उंगली ट्राई करें, तो पहला गाना जो मैंने बजाया जिंदगी का, आज की मुलाकात बस इतनी। अच्छा।
कल कर लेना चाहे प्रीत जितनी, मतलब पिताजी बजाते थे बहुत सुंदर, बिल्कुल नोट सिंह के साथ में, मेरे पिताजी बहुत अच्छे जानकार थे। तो मैंने जितना उनको फॉलो कर पाया बजाया मैंने, तो उसमें क्या करता था कि जैसे यहाँ उंगली बजा रहा हूँ तो यहाँ मेरा छूट जाता था, छोटा था ना बच्चा, और फिर यहाँ बजाता हूँ यहाँ छूट जाता हूँ। हाँ, लेकिन वो धीरे 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 वो गाना सीखा पहले, फिर उसके बाद अपने धीरे धीरे मेरे को शौक हो गया। तो माँ क्या करती थी, अब खैर बहुत ही सरप्राइज वाली बात है कि उस हारमोनियम को पिताजी फिर बक्से में बंद करके चल जाते थे, अच्छा फौज में चले गए। तो मम्मी ने उसके ऊपर कुछ सामान रख दिया, उसके ऊपर और रख दिया, अब हारमोनियम 30 नीचे पड़ा हुआ है, और मेरे को शौक हो रहा है मैं कैसे बजाऊँ। तो फिर स्कूल से कभी आया छुट्टी छट्टी के दिन मेरे को टाइम मैंने बजाना है, तो मैं क्या करता था उसके नीचे डंडा लगाता था, सच बता रहा हूँ, जैसे बेलन टाइप का डंडा लगाया उसमें यार, वो फंसाया बगल से मैं वहीं गर्दन डाली, वहीं खोला उसको वहीं बजाता था। हाँ जबरदस्त। तो आपकी ज़िंदगी में मैंने आपको जब वो रियलिटी शो हुआ उससे पहले भी इसी देहरादून शहर में कई जगह परफॉर्म करते हुए देखा, और मेरे को हमेशा ये लगता था यार क्या बात है। मतलब मेरे को ध्यान है जब मैं एक जिक्र कर रहा था अभी इस इंटरव्यू से पहले, आपने एक यहाँ का कोई गाना गाया और उसके बाद आपने ओ भीना कुमाऊँ का कोई ऐसे करके गाना शुरू किया और बड़ा अच्छा एक हो। वो जो रियलिटी शो आपकी ज़िंदगी में हुआ उसने शायद आपको पूरे उत्तराखंड और जो उत्तराखंड के लोग हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं एक ग्लोबल रीच दे दी। और आपने भी जो कमाल की चीज़ करी वो ये करी कि सिर्फ वो नहीं गाया जो वहाँ हो रहा था, अपना जो पहाड़ की वो थी उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ प्रीतम दा हो, बादशाह हो, सुनिधि हो, हिंदुस्तान भर के कलाकार आ रहे थे, वहाँ पर उस चीज़ को रखा और शायद पूरे उत्तराखंड वालों ने उस पर बड़ा प्राउड फील किया। एवरी हफ्ते आई थिंक जो भी एक गाना निकलता था अब कौन सा आएगा ये चीज़। तो वो कैसा एक्सपीरियंस और क्या कुछ बोलोगे उसके बारे में? एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो ये जो रियलिटी शो में जो भी कुछ हुआ है कुछ प्लान नहीं था। 300 से ऊपर बैंड थे शॉर्टलिस्टेड सिर्फ दिल्ली में, एंड बॉम्बे में जब कलिंग राउंड हुआ था तो आई गेस अगेन 300 बैंड्स फ्रॉम इंडिया। अच्छा। हाँ, और शो में सिर्फ एक बैंड था हमारा, तो वी गॉट शॉर्टलिस्टेड और ओनली बिकॉज ऑफ फोक। फोक के वजह से हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए, और फोक और एक और फोक बैंड था जो कलकत्ता से था, बहुत अच्छा फोक बैंड, और उनके ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बिल्कुल हमारे तरह ही थे, बहुत स्ट्रॉन्ग। बस ये था कि हमारा थोड़ा सा अच्छा रहा क्योंकि हमारे साथ मनराज भाई भी थे, मनराज भाई का भी बहुत अच्छा रोल रहा उसमें, और लाइक हमारा जो और फिर कॉम्पोजिशन के ऊपर हुआ कि मठू मठू वहाँ पर सबको पहले दिन से पसंद आ गया था। अच्छा। वो डेली ऑडिशन से ही वो फाइनल गाना था, ओ फादर साहब का ही था। तो मठू मठू तो मतलब मैं गया, मैंने वहाँ पर जाके कुछ नहीं बोला, मतलब सर हम लोग उत्तराखंड से हैं, मैं आपको फोक सुनाने जाता हूँ जो ऑडिशन लेने आए थे दिल्ली में आनंद सर, तो मतलब ठीक है सुनाओ, अब सब क्रिएटिव डायरेक्टर्स वगैरह आ रखे हैं सब सुन रहे थे, मैंने सुनाया, मतलब मेरा सबका ऑडिशन टेंशन में जा रहा है, हमारा ऑडिशन में डांस कर रहे हैं, तो मैं आपको देना हुआ और कबीरा का थोड़ा सा बिल्कुल जो जिस तरीके से करा था। हाँ। देना हुआ अपने शादी के टाइम पे यार स्टार्ट करते हुए, और हमारा मेन रीजन ये भी था क्योंकि हम लोग टॉप 12 में सिलेक्ट हुए थे, और टॉप 12 का पहला गाना ये था जिसमें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था जजेस से, तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ काम स्टार्ट हो रहा है अच्छे फोक से स्टार्ट, बहुत प्यारा है ऐसा। देना हुया खोली खगनेशा, देना हुया मोरी का नारणा, कैसी तेरी खुद मर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसी तेरी खुद मर्जी किसी ठौर टिके ना पाओ, बन लिया अपना पैगंबर फिर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया,
तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। कमाल कमाल कमाल, जबरदस्त। थैंक यू। तो आपको अपनी जिंदगी में किस तरह का म्यूजिक, बिकॉज इतने वक्त से मैं देखता हूँ कल्पना जी के साथ, मीना जी के साथ इतने गाने आपके आए, जो गायक के तौर पे म्यूजिक भी हुआ, लिखा भी, आपकी खुद की पसंद किस तरह के गानों की है? मैं तो शुरू में तो मैं गाने गाता था उसके मतलब कॉमेडियन टाइप के या फास्ट टाइप के, लेकिन बाद बाद में जैसे मतलब ऐसी जैसे रोमांटिक टाइप के गाने, तो मेरे 4-5 गाने बहुत हिट हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए। एक तो जैसे वो प्यारी छुमा एक फिल्म आनी थी जिसमें तिरुबकी बात तिरुबकम छो, जो संकल्प में गाया था वहाँ, एक वो डिबली बकम्बम है आगे न चला पीछे न चला, हाँ एक वो मैंने जना नेपाला राम रोय गढ़वालमा, एक वो है मेरा गाना, एक मैंने दारू भी बनाया था, ये पहाड़ में बहुत दारू चलती है, गाँव में दारू बाजार में दारू 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 हुई। तो इस प्रकार से मैं लिखता भी स्वयं था और मतलब उसकी कंपोजिशन समा, लेकिन ये गाना जो हमारा तिरुबा की बात गाना है ये हमारे गढ़वाल के बहुत अच्छे लेखक हैं गणेश विदान जी, उनकी रचना है, धुन मैंने बनाई थी। अच्छा, हाँ फिर मैंने इसको एक फिल्म बनने वाले थी तो उसमें गीतकारों थे और संगीतकार में था, तो फिर पहले ये गाना जो बना था सुरेश बाड़ेकर जी के लिए दिमाग में की बनाया गया था, हाँ इस गीत को सुरेश बाड़ेकर जी गाएंगे ऐसा मेरे को बोला गया, ऐसे कंपोजर बनाओ उनके लिए बनाई थी। फिर उस समय नहीं बना कुछ प्रोग्राम, तो फिर लास्ट में बोला कि तब फिर उन्होंने कहा किसी, मैंने कहा जी फिर मैं ही गाऊँगा इसको, आप मेरा सुन लो। तो जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर, और उसने मेरे को एक बहुत ऊंचाई दी इस गाने ने, हाँ नाम तो था ही लेकिन मतलब वो लेबल ऊंचा कर दिया, हाँ तिरुपा की बात वाला बहुत अच्छा। हाँ एक्चुअली मेरा संगीत नहीं है, हो तेरु बकी बात रूप कमायो चा है, तेरु बकी बात रूप कमायो चा, तुए मसेरु गडवाल समायो चा, तेरु बकी बात रूप कमायो चा, ओ तेरु बकी बात रूप कमायो चा, पौड़ी की रौनक तेरे गलोड़ियों मा, जोन सारी जादू तेरी लट लूं मां, पौड़ी की रौनक तेरी गलोड़ियों मां, जोन सारी जादू तेरी लट लूं मां, श्रीनगर की गंगा तेरी आँखियों मां, फूलों की घाटी तेरी उठड़ियों मां, दतुड़ियों मां दतुड़ियों मां हिमालय सजायो चा, तेरु बकी बात रूप कमायो चा, ओ तेरु बकी बात रूप कमायो चा। ये तो आपने परफॉर्म करा था वहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से, हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है। जी जी एक चीज मैं देखता हूँ जो आई थिंक संकल्प बहुत अच्छा कह रहे थे कि सब जगह के म्यूजिक में वहाँ की एक वो होती है, आई थिंक आपके गानों में और खासकर जिस तरह से आपकी कंपोजिशन होती है उसमें एक्चुअली वो जो पहाड़ का जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि वो जो हल्का सा झूमने का और एक एसेंस उस पे है, जी जी मेलोडी भी है और जी और उसमें मतलब धुन में सुंदरता भी है, और वो गाने के साथ मैच भी करता है, है ना, तो वो लोग मेरी दुनिया में से पसंद करते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर मैं औरों के लिए भी बनाता हूँ, कई लोग मेरे को गाना भेजते हैं कि भाई साहब कंपोज कर दो, तो मैं कर देता हूँ दूसरों के लिए भी, तो वो लोगों को पसंद आती है मेरी धुनी। आई थिंक ये उसी तरह का जैसे हमारे यहाँ हीरा सिंह राणा जी रंगीली बिंदी, रंगीली बिंदी का, हाँ है ना बहुत सुंदर, धोती लाल की नरवाली में जाता है, क्रिएटिव गाने हैं ना इस टाइप के, तो वो भी बहुत अच्छी कंपोजिशन थी उनकी, बहुत उनका सुपर गाना था ये, जी जैसे उनका था गोपाल गोस्वामी जी का आयदुर रुमाल गुलाबी मुखड़ी, तो इसी टाइप के, हाँ तो वो गीत भी बहुत अच्छा था, धुन बहुत अच्छी थी, गाय उन्होंने बहुत अच्छा था, तो गाने को अगर सही न्याय मिल जाए तो गाना हिट हो जाता है ना, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा समय देना पड़ता है, मेहनत मांगता जी, आजकल के बच्चे मेहनत कम करते, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मैं नई पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो अगर फील्ड में काम करना है तो उसको बहुत
मतलब उसको तैयारी के साथ ऐसे हल्के में नहीं लेना कि साहब आज गाना लिखा और कल रिकॉर्ड कर दिया, तो जैसे वो रिकॉर्ड होगा वैसे ही पिक्चर भी जाएगा। अगर उसमें टाइम लगाएंगे, पहले लिखने में टाइम लगाएं, फिर धुन बनाने में टाइम लगाएं, फिर उसको रियाज करें, और जब तैयार हो जाए तब रिकॉर्ड करना चाहिए। साल भर में एक ही करो जी, लेकिन ऐसा करो कि जो सब सुने उसको कम करो, हाँ बम करो ये। सो फादर साहब का ये आई थिंक झवरी बाजी छम, हाँ वो तो मतलब अलग लेवल हो, जैसे ही वो प्ले हुआ मतलब ऐसा हुआ लोगों को कि यार ये क्या आ गया। और कई बार ऐसा होता है ना कि अब ठीक है बाहर वालों को शब्द नहीं समझ आते, लेकिन जो उसकी एक मेलोडी ट्यून और जो मतलब अच्छा अब थोड़ा छम और ये चीज़ें तो आदमी समझ ही जाता है फिर भी ना, तो वो बड़ा कमाल। आपने जब ये बनाया था उस वक्त कैसे ये हुआ था गाना? ये तो क्या है कि हमारे यहाँ इन गीतों को हमने बचपन से सुन के आए इस टाइप के, जैसे आपके यहाँ झोड़े टाइप के लगते हैं ना पारंपरिक, वो लंबी पट शैली वाले गीत, तो ये हमारे यहाँ हम जब बचपन में मतलब कहीं मेले में या त्योहारों में कहीं शादी में ब्याह में तो पुराने लोग गाते थे, तो उनसे सुन सुन के ये धुन दिमाग में थी, इसको थोड़ा रिफाइन किया, फिर उसमें शब्द जोड़ा, शब्द जोड़ के फिर तब बनाया उसको। हाँ पर मेरे को याद नहीं वो क्योंकि वो इस टाइप से, पर बहुत अच्छा था वो। ओ बल पानी की हुलाक, पानी की हुलाक हुलाक, ओ तेरी मेरी माया भागी। हाँ तेरी दर्तेड़ों की छपा, बात है। आई थिंक आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो गई कि जो इस तरह के कॉम्पोजिशंस गाने थे वो उस लेवल पे जाके संकल्प ने प्रेजेंट कर दिए, मतलब उसका तो हुआ और आप हम भी फेमस हो गए। नहीं मतलब वो चीज़ उत्तराखंड से बाहर चले गई एक्चुअली ना, उत्तराखंड में तो लोगों ने सुने ही होंगे जी, और वहाँ लोगों ने उसको पसंद भी किया, वो अच्छी बात है बिल्कुल, कि हमारे यहाँ का संगीत बॉलीवुड में भी लोगों ने पसंद किया, तो हमें इस बात का मतलब और मनोबल मिलता है जी, और आगे काम करने का कि भाई हमारी जो चीज़ बना रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं। नहीं बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे देखने वालों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, इसी तरह बढ़िया म्यूज़िक करते रहिए, और आप तो सदाबहार हो रखे हैं देवानंद। मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया गाने कॉम्पोजिशन, तो इसी तरह बढ़िया म्यूज़िक आता रहेगा, और उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, है ना, थैंक यू।